बीएसपी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 100 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। दूसरे लिस्ट में 27 दलित जबकि 22 मुस्लिम उम्मीदवारों के नाम है। गुरुवार को जारी पहले लिस्ट में 100 में से 36 मुस्लिम उम्मीदवार थे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केशव मौर्य ने यूपी में बंपर बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया है। केशव मौर्य दिल्ली में चल रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है, सपा साफ होने जा रही है, बसपा 2014 में साफ हो चुकी है, 17 में भी उससे अच्छी सफाई जनता करने को तैयार है। इटावा में एसपी के पार्टी कार्यालय पर कब्जे को लेकर अखिलेश गुट और मुलायम गुट के लोग आमने सामने आ गए हैं। अखिलेश गुट ने गोपाल यादव को जिलाध्यक्ष बनाया है। वहीं वर्तमान जिलाध्यक्ष सुनील यादव का कहना है कि 9 तारीख को चुनाव आयोग जो फैसला करेगा उसके बाद ही जिलाध्यक्ष असली कौन है फैसला होगा। तनाव को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने भारी पुलिस बल जिला कार्यालय पर तैनात कर दिया है। यूपी के औरैया में समाजवादी पार्टी पर स्कूली बच्चों से प्रचार सामग्री बंटवाने का आरोप लगा है। सीएम अखिलेश यादव की तस्वीर वाले कैलेंडर और पोस्टर छोटे छोटे बच्चों को एसपी के जिला कार्यालय की तरफ से दिए जाने का आरोप है। बच्चों का कहना है कि इन पोस्टर्स और कैलेंडर को गांव में बांटने के लिए दिया गया है। अलीगढ़ में बीएसपी नेता मोहम्मद सगीर की गाड़ी से शुक्रवार को 2 सेमी ऑटोमेटिक राइफल मिली है। गाड़ी को कब्जे में लेकर पुलिस ने मोहम्मद सगीर से हथियारों के लाइसेंस को लेकर पूछताछ की है। आचार संहिता लागू होने के बावजूद सभी दलों के नेता धड़ल्ले से गाड़ियों पर पार्टी का झंडा लगाकर घूम रहे हैं। पुलिस ने कल कांग्रेस प्रवक्ता विवेक बंसल और हाथरस के कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन की गाड़ी से शीशे पर चढ़ी काली पन्नी और पार्टी का झंडा उतार लिया। यूपी के बांदा में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस को 8,30,000 रुपए मिले। गाड़ी की डिक्की में 4 गत्तों में नोट रखे गए थे। पुलिस ने 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है। पुलिस को शक है कि चुनाव में गलत इस्तेमाल के लिए नोट कहीं भेजे जा रहे थे। लुधियाना में एक सड़क हादसे में 2 लड़कियों और 2 लड़कों की मौत हो गई, जबकि एक लड़का गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। 5 होंडा सिटी में सवार थे। हादसा उस समय हुआ जब बिरमी गांव के पास तेज रफ्तार होंडा सिटी कार पेड़ से टकरा गई। पंजाब के मनसा में एपी सांसद भगवंत मान पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा है। आरोप है कि मान अपनी रैली में लोगों को अकाली दल के लोगों पर पत्थर फेंकने को उकसा रहे हैं। अकाली नेता और पंजाब बीज निगम के चेयरमैन सुखविंदर सिंह ने आरोप लगाया है कि भगवंत मान लोगों में उत्तेजना पैदा कर रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए घातक है। चंडीगढ़ के दिशांत ग्लोबल स्कूल में 27 और 28 जनवरी को चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। चंडीगढ़ साहित्य अकादमी और अदब फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस फेस्टिवल का मकसद बच्चों की पढ़ने में रुचि बढ़ाना और उनको साहित्य से जोड़ना है। चंडीगढ़ में बीती रात जमकर बारिश हुई और ओले गिरे। मौसम विभाग ने भी आज भी रुक रुक कर बारिश और ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। मौसम में बदलाव से चंडीगढ़ में आज सुबह का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक गिर गया।